बहराइच से बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वारा वफात के जुलूस के दौरान ही यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये सभी लोग झुलसे और फिर ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। नानपारा इलाके के मसूखपुर की यह घटना बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। वारा वफात का ये जुलूस निकाला जा रहा था और उसी में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से, करंट लगने से 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। कुछ लोग जख्मी स्थिति में भी बताए जा रहे हैं। आनंद फानंद में इन सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। इन 5ों में से किसी को बचाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश के बहराइच की ये घटना बताई जा रही है। वारा वफात को लेकर ये जुलूस निकाला जा रहा था, उसी दौरान भीड़ मौजूद थी और हाई टेंशन तार की चपेट में आकर करंट लगने से इन 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अचानक खुशी का जो माहौल था वो गम में तब्दील हो गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में आ जाने से यह हादसा हुआ। अब प्राथमिकता ये थी कि तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, जहां पर 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। नानपारा इलाके की मसूखपुर की यह घटना है। अब प्रशासन इस जांच में जुटा हुआ है कि आखिर हाई टेंशन तार की चपेट में ये लोग कैसे आ गए। 5 लोग जो कि करंट लगने से, झुलसने से जिनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हुई, अब इस मामले में जांच भी चल रही है। बहराइच से संजय मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, दर्दनाक यह हादसा है, 5 लोगों की जान चली गई, किस वजह से यह हादसा हुआ, हाई टेंशन तार की चपेट में कैसे ये लोग आ गए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये नानपारा इलाके के मसूखपुर की घटना है, जहां पे आज वारा वफात को लेकर के बड़ा जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में तकरीबन 500 से 700 लोग शामिल थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी। ये जुलूस लोग लेकर के निकल रहे थे। जुलूस में जो लोग चल रहे थे उनके पास झंडे भी थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पास बड़े झंडे थे, वो जैसे ही वो हाई टेंशन तार के नीचे से बच्चे निकले हैं, जुलूस निकला है, तभी वो झंडा तार से टकराया है, जिसके बाद से 6 लोग झुलसे हैं। आनंद फानंद में सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन जिसमें अस्पताल आते समय 5 की मौत हो गई है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा है, जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। जी आप बता रहे हैं कि बहुत ऊंचे डंडे थे और वही हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, क्या ये लोहे के डंडे थे संजय? और अगर 500 से 700 लोग मौजूद थे, अगर वारा वफात को लेकर इस तरीके की रैली निकाली जानी थी, तो क्या प्रशासन की नजर इस तरफ नहीं थी? निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं ये लापरवाही बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वारा वफात को लेकर संजय बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े डंडे कुछ लोगों के पास थे, 6 लोग बुरी तरह से हाई टेंशन तार की चपेट में आकर झुलस गए, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि एक शख्स अभी भी जख्मी है, अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है।